ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट अपन लोग पढ़ते हैं, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। देखिए इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन का क्या कंसेप्ट है, दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दे आर सेट टू बी आइडेंटिकल अगर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स है, सेकेंड थिंग द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स है या एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, जो भी इन दोनों का कॉमन डोमेन है। बेसिकली कई बार होता क्या है कि कुछ दो फंक्शन अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं, बट अपने को बताना होता है कि क्या वो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या फिर नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और सेकंड मैंने आपके सामने लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक एक्स। अब सबको पता है कि यार जो कॉसेक एक्स है, अगर ऐसा एक फंक्शन होता जी एक्स और एक होता एफ एक्स, तो सबको पता है कि वन अपॉन कॉसेक एक्स तो किसके बराबर है, साइन है या नहीं है। अच्छा देखो ये तो साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डोमेन है वो तो है एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स जब ऊपर जाएगा तो बनेगा तो साइन एक्स, लेकिन यार जिस दिन कॉसेक डिफाइन होता है ना, कॉसेक तो डिफाइन ही तब होता है जब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। अरे यार कॉसेक लिखा ही तब गया होगा जब पहले हमने कहा होगा, एक कसम खाई होगी कि एक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, एन पाई के बराबर, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई, तो एक्स एन पाई के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्स एन पाई के बराबर नहीं है तो दोनों के डोमेन बराबर नहीं, इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, तो इसका मतलब दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। तो फिर से एक बार, दो फंक्शंस आइडेंटिकल या इक्वल कहे जाते हैं तब जबकि एक फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के बराबर हो, एक फंक्शन की रेंज दूसरे फंक्शन की रेंज के बराबर हो, और एक फंक्शन एफ एक्स दूसरे फंक्शन एफ एक्स के बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी उनका कॉमन डोमेन आ जाने वाला है। बात समझ आती है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स। जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा होता एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मैंने लिखा होता वन अपॉन एक्स, एक मैंने लिखा होता जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दोनों यहां भी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यहां भी जब आप एक्स को एक्स से उड़ाएंगे तो पहले आप लिखेंगे वन अपॉन एक्स और कहेंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों फंक्शन एक जैसे, दिखने में एक जैसे, तो दीज टू फंक्शन आर आइडेंटिकल फंक्शन। बात समझ आती है। अच्छा जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा होता अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जी एक्स मान लीजिए मैंने लिखा होता मॉडुलस ऑफ एक्स के बराबर, तो यहां पे जब एक्स स्क्वायर से रूट बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से जब रूट बाहर आएगा तो कैसे आएगा, एक्स की तरह, बट वो मॉड एक्स की तरह बाहर आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर है, आप कुछ भी रखें पॉजिटिव बनकर। ऐसे ही यहां पर भी आप एक्स की कोई वैल्यू रखें बट मॉड है तो पॉजिटिव रहेगी, तो यहां भी एक्स बिलोंग्स टू क्या है, आर, तो इसका मतलब दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शन से। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और एक फंक्शन मैंने लिखा होता जी एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एल एन ऑफ एक्स माइनस का थ्री। अब देखिए है क्या, एलन के अंदर वाली चीज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो आप कहेंगे यार एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसे सॉल्व करा जाए तो एक्स माइनस, इसका फैक्टराइजेशन होता है एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, आपको याद हो गए बातें माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू यूनियन थ्री से लेकर इन्फिनिटी, अरे सही है। अच्छा लेकिन अब आपने जब इसे सॉल्व करा, एलन की प्रॉपर्टी याद आती है कि दो एलन अगर एडिशन में हो तो मल्टीप्लाई हो जाते, मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई होने से पहले x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं। अच्छा तो इसका मतलब x टू से बड़ा एंड x कैसा तीन से बड़ा, दोनों को सॉल्व करा तो x बिलोंग्स टू कहां से नजर आता है, थ्री से इन्फिनिटी। यार दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होकर वही बनेगा, दिखने में एक जैसा है, लेकिन किसके लिए है, यही इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन का कंसेप्ट है कि दोनों फंक्शन एक जैसे दिखे लेकिन ये फंक्शन लिखा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी के बीच, बट ये वाला फंक्शन लिखा जा रहा है एक्स बिलोंग्स टू थ्री से लेकर इन्फिनिटी, तो दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल।